तीन तलाक पीड़िता ने अपनाया हिंदू धर्म, मंदिर में की शादी। बरेली तीन तलाक पीड़िता ने मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू युवक को अपना जीवन साथी मानते हुए मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया। रेशमा पुत्री मोहम्मद इस्लाम निवासी देशनगर पीलीभीत की है। उसका निकाह 3 वर्ष पूर्व मोहम्मद रहीस निवासी काशीराम उद्यान पीलीभीत से हुआ था। 5 अप्रैल को रहीस ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया था। रेशमा ने हिंदू धर्म अपनाते हुए दीपू पुत्र लाला राम नौगमा पकड़िए पीलीभीत से बमनपुरी के सनातन धर्म संस्था के आचार्य कृष्ण कुमार संगधर के समक्ष हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया और नए जीवन साथी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला लिया। दोनों एक दूसरे से परिचित थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। क्या आज आप शादी करने आए हैं? हाँ, आज मैं इनसे शादी करने आया हूँ जी। आज मैं इनसे शादी करने जा रहा हूँ। हम लोगों का रिलेशन 4 महीने से है। 4 महीने से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। आज हमने एक दूसरे से शादी की। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पीलीभीत का रहने वाला। पीलीभीत के रहने वाले हैं। और ये आपके साथ जो शादी करने वाले हैं, ये भी पीलीभीत की रहने वाली हैं जी। क्या नाम आपका? मेरा दीपक नाम। दीपक। और इनका नाम क्या? इनका नाम रेशमा। रेशमा जी। जी, आपके घर पास ही में रहते हैं मतलब, या मतलब थोड़ा दूरी वूरी पर? जी, हमसे थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं। जी जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेशमा। जी, आज आप शादी करने आए हैं तो किसके साथ शादी कर रहे हैं? दीपू के साथ। दीपू के साथ जी। आपका ये मतलब लव मैरिज है ना? हाँ, लव मैरिज जी। कब से है ये लव आपको? वही 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी। जी गुरु जी, बताइए कुछ शादी के बारे में। पहले तो मैं अपना परिचय दूं जी। मेरा नाम पंडित के संगधार है जी। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और सनातन धर्म संस्था का धर्मगुरु हूं। ये दोनों बच्चे मेरे पास आए। ये लड़की, इसका नाम रेशमा है और ये 3 तलाक पीड़िता है। ये बहुत दुखी हुई, बहुत परेशानी इसने इस्लाम में सहन की। 3 तलाक इसे दिया गया और इसे घर से निकाल दिया गया। ये दर दर की ठोकरें खा रही। तब दीपू जी ने इसे सहारा दिया और इन दोनों की आज जो है मेरे द्वारा इन्होंने मुझे शपथ पत्र दिया कि मैं हिंदू धर्म में मेरी आस्था है और मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूं और दीपू जो हैं इनके साथ शादी करना चाहती हूं। तो हमने इनको धर्म प्रवर्तन करा करके आज इनकी घर वापसी कराई है। क्योंकि भारत में कोई मुसलमान बाहर से आया हुआ नहीं है, यहां जो भी हैं मुसलमान वो कन्वर्ट हुए हुए हैं। तो अपने घर में वापसी इन्होंने आज की है। इनका मैं स्वागत करता हूँ घर वापसी के लिए। और आज इनका विवाह संस्कार 7 जन्मों का बंधन अग्नि को साक्षी मान करके ये दोनों ले रहे हैं। आपके सामने इनके फिर आदि सब हुए जी। जी, आपने पहली शादी कराई है, स्टेप की और भी नहीं कर चुके हैं। ये हम जो है 7 तो कुंवारी मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करा करके यानी घर वापसी करा के शादी करा चुके हैं जी। और 8वीं और ये 9वीं जो है 3 तलाक पीड़िता हैं जी। ठीक है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक पाठक है। मैं महानगर प्रमुख शिवसेना बरेली से हूँ। और आज जो है बहन ने जो घर वापसी की है, इस पर जो है हम इनका अपने हिंदू धर्म में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और प्रभु से ऐसी कामना करते हैं कि इनका और दीपू जी का जो है 7 जन्मों का जो एक बंधन बंधा है ये निरंतर 7 जन्मों तक चलता रहे। और ये 3 तलाक से पीड़ित थी और ये लोग जो हमारे टच में आए और इन दोनों ने अपनी आपसी हजामंदी से जो है आज विवाह संस्कार इनका संपन्न हुआ है। और शिवसेना परिवार बरेली की तरफ से, सभी मित्रों की तरफ से हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।